नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के लिए नामांकन आज से। देव दीपावली पर जलेंगे 11 लाख दिए। बिहार में 46 मिनट तक रहेगा चंद्र ग्रहण। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। सूर्य कुमार यादव के क्लास पर कोहली ने लगाई मुंह। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार में चौंक गए सीएम। आज यानी सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जनता दरबार रहा। इस दौरान उन्होंने गृह विभाग, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, कर विभाग, मद्य निषेध विभाग, निगरानी विभाग, खान एवं भूतत्व विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से जुड़ी शिकायतें सुनी। बता दें कि इस दौरान ही जब नीतीश कुमार ने मधेपुरा जिला से आई एक फरियादी की बातें सुनी तो वे चौंक गए। फरियादी ने बताया कि उसके पिता की हत्या 1.5 साल पहले कर दी गई थी और हत्या करने वाला के ऊपर कई आपराधिक रिकॉर्ड जो 35 साल से फरार चल रहा है। इसे लेकर FIR भी दर्ज किया गया है, लेकिन उसे कहीं से किसी प्रकार की मदद नहीं मिली, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने तुरंत अधिकारी को फोन लगाकर इस मामले को निपटाने का निर्देश दिया। बिहार के सरकारी अस्पतालों में जल्द दूर होगी डॉक्टरों की कमी। राज्य स्वास्थ्य समिति के द्वारा यह फैसला लिया गया है कि बिहार के सरकारी अस्पतालों में खाली पड़े डॉक्टरों के पद पर तब तक एक्सपर्ट्स रखे जाएंगे जब तक उस पर डॉक्टरों की नियमित नियुक्ति न हो जाए। बता दें कि एक्सपर्ट्स डॉक्टरों में उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी जिनकी जरूरत PHC अनुमंडलीय एवं जिला अस्पतालों में सर्वाधिक है। वहीं नई भर्ती की प्रक्रिया में प्रसूति एवं महिला रोग विशेषज्ञ एवं बाल रोग विशेषज्ञ समेत हड्डी रोग विशेषज्ञ, सामान्य सर्जन एवं एनेस्थीसिया को भी शामिल किया गया है। मिली जानकारी अनुसार राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना के तहत विशेषज्ञ डॉक्टरों की भर्ती संविदा के आधार पर की जाएगी। पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ के लिए नामांकन आज से पटना यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव को लेकर असली लड़ाई शुरू हो गई है। बता दें कि छात्र संघ चुनाव के लिए आज से यानी कि सोमवार से नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। छात्र 7, 9 व 10 नवंबर की शाम 3 बजे तक पटना VV के सीनेट हॉल में अपना नामांकन का फॉर्म जमा कर सकेंगे। इसके बाद 11 नवंबर से स्क्रूटनी के कार्य शुरू हो जाएंगे और 14 नवंबर दिन शाम 6 बजे तक उम्मीदवारों की फाइनल सूची जारी कर दी जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि इस बार कॉलेज काउंसलर और फैकल्टी मिलाकर 32 सीटों पर चुनाव हो रहा है, जिनमें सेंट्रल पैनल के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, महासचिव व कोषाध्यक्ष पद और हर 1000 छात्र पर एक कॉलेज काउंसलर या फिर फैकल्टी काउंसलर के पद शामिल हैं। शराब माफियाओं और पुलिस के बीच मुठभेड़। बीते दिन देर रात पश्चिमी चंपारण के बेतिया में शराब माफियाओं और पुलिस के बीच जबरदस्त मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली से एक शराब तस्कर की मौत हो गई। बता दें कि मौत होने वाले तस्कर का नाम जटा यादव बताया जा रहा है। वहीं एक तस्कर ध्रुव यादव पुलिस की गोली से घायल भी हो गया। पुलिस को यह सूचना दी गई थी कि शराब तस्कर UP से शराब की खेप लाने वाले हैं, जिसके बाद जब पुलिस वहां नाकेबंदी के लिए पहुंची तभी कारोबारी गंडक नदी से शराब के खेप को ला रहे थे। शराब तस्करों ने जैसे ही पुलिस को देखा उन पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जानकारी के लिए बता दें कि यह पूरा मामला बेतिया पुलिस जिला के श्रीनगर थाना इलाके के बैजुआ गांव का है। देव दीपावली पर जलेंगे 11 लाख दिए। आज से यानी कि सोमवार से देव दीपावली की शुरुआत हो रही है। ऐसे में बिहार के बक्सर जिले में 7 नवंबर से 15 नवंबर तक आयोजित सनातन सांस्कृतिक समागम में 11 लाख दियों से 250 फुट भगवान राम की प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा और फिर उसे जलाया जाएगा। इस कार्यक्रम के दौरान 9 राज्यों के मुख्यमंत्री और 5 राज्यों के राज्यपाल भी शिरकत करेंगे। इस आयोजन के लिए श्रीराम न्यास परिषद के द्वारा 30 एकड़ भूमि किसानों से लिया गया है। इसके एवज में सभी किसानों को 40,000 रुपए बिघा मुआवजा के रूप में भुगतान किया गया है। इस आयोजन में 7 से 15 नवंबर तक प्रतिदिन सुबह 9 से 12 बजे तक श्रीमद् भगवत कथा का पाठ का भी आयोजन किया जाएगा। बिहार में 46 मिनट तक रहेगा चंद्र ग्रहण। 8 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा यानी कि देव दीपावली के दिन इस वर्ष का आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। यह चंद्र ग्रहण बिहार की राजधानी पटना सहित देश के विभिन्न स्थानों पर दिखाई देगा। बता दें कि ज्योतिषियों के अनुसार चंद्र ग्रहण 5:32 बजे आरंभ होकर शाम 6:18 बजे तक है। वहीं इसके सूतक काल की शुरुआत 9:21 बजे से होगी जो शाम 6:18 बजे समाप्त होगी। ज्योतिष आचार्य की माने तो उनके अनुसार श्रद्धालु मंगलवार की सुबह 9 बजे से पहले गंगा स्नान कर लेंगे। वहीं चंद्र ग्रहण के दौरान पूजा पाठ, भोजन आदि करने की मनाही होती है। पाकिस्तान, बांग्लादेश के बाद अब भूटान से भी जुड़ेगी सीधी ट्रेन सेवा। भारतीय रेल जल्द ही पड़ोसी देश पाकिस्तान और बांग्लादेश के बाद भूटान तक अपनी रेल सेवा की शुरुआत करने वाला है। खास बात यह है कि भारत भूटान रेल सेवा के लिए सारे कागजाती काम पूरे कर लिए गए हैं। इस बात की जानकारी बिहार के कटिहार में रेलवे के महाप्रबंधक अंशुल गुप्ता के द्वारा दी गई है। उन्होंने बताया कि जिन देशों की भी सीमा भारत से जुड़ती है उन देशों तक रेल कनेक्टिविटी को ले जाने का प्रयास किया जा रहा है और यह उम्मीद है कि भारत भूटान रेल मार्ग का कार्य मार्च 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। बताते चले कि नेपाल के कस्टम यार्ड तक ट्रेन
सेवा के लिए सारे काम पूरे कर लिए गए हैं। वहीं सेकंड फेज में 5 वंदे मातरम भारत ट्रेन दिल्ली गुवाहाटी सेक्शन पर दौड़ेगी, जिसमें से एक कटिहार से भी चलने की उम्मीद है। 2 साल बाद सोनपुर मेले की धूम। 2 साल बाद इस बार बिहार के सारण जिले में मशहूर सोनपुर मेले की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 7 दिसंबर तक चलेगी। वहीं इस साल सोनपुर मेले में 3 थिएटर चलाने की अनुमति दी गई है। इस दौरान लोगों के लिए रंगारंग कार्यक्रम, एडवेंचर स्पोर्ट्स, वाटर स्पोर्ट्स और अन्य प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। इस मेले का उद्घाटन तेजस्वी यादव के द्वारा दीप जलाकर किया गया। मेले में सुरक्षा के सभी प्रबंध किए गए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन के द्वारा सोनपुर मेला 2022 नाम से एक वेबसाइट और मोबाइल ऐप भी तैयार करवाया गया है, जिसके जरिए सोनपुर मेले में होने वाले सभी आयोजनों और मेलों से जुड़ी सभी चीजों की जानकारी मिल पाएगी। मोकामा में जदयू पूरी तरह नाकाम। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह ने मोकामा और गोपालगंज की सीट पर महिलाओं की जीत होने पर अपनी प्रतिक्रिया दी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछली बार आनंद सिंह राजद की टिकट पर जीते थे, जबकि नीतीश कुमार एनडीए में थे, फिर भी एनडीए को केवल 42,000 वोट मिले थे। लेकिन इस बार नीतीश कुमार खुद राजद के साथ थे, फिर भी बीजेपी को 62,000 वोट मिले। फोटो के बीच इस 20,000 का अंतर यह बताता है कि नीतीश कुमार और जदयू के हिस्से के वोट राजद को नहीं मिल सके, जिससे साफ पता चलता है कि लोगों ने नीतीश कुमार और जदयू को नकार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जल्द ही वे अपनी पार्टी की घोषणा कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का मिशन 60 दिन हुआ पूरा। बिहार के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव ने अस्पतालों में स्थिति सुधार के लिए 60 दिनों का समय दिया था, जो आज पूरा हो गया है। इस बीच अस्पताल में कई प्रकार के सुधार किए गए, जिसका असर अस्पताल के बाहर देखने को मिलता है। बता दें कि इन 60 दिनों में तेजस्वी यादव ने अस्पतालों से लेकर मेडिकल कॉलेजों में साफ सफाई, रंग रोचन की चकाचक व्यवस्था, शौचालय की समुचित व्यवस्था, दवा काउंटर और अधिक करने, जाँच की सेंट्रलाइज व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था समेत कई तरह के कामों को कर का निर्देश दिया था, जिसके बाद अस्पतालों में हर स्तर पर सुधार करने का प्रयास किया गया है। वही सुविधा मिलने से अस्पतालों में मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। क्या गोपालगंज में तेजस्वी नीतीश ने AIMIM को हलके में लेकर भूल कर दी? बिहार की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे आ गए। मोकामा में अनुमान के मुताबिक ही नतीजा रहा, लेकिन गोपालगंज में कम अंतर से हार जीत ने सभी को चौंका दिया। वहीं उपचुनाव में AIMIM उम्मीदवार को मिले वोट ने यह संदेश दिया है कि उन्हें हल्के में नहीं लिया जा सकता है। मालूम हो कि बीते दिन गोपालगंज वाले सीट से भाजपा ने काफी कम अंतर 1,794 मतों से राजद से जीत दर्ज की। वहीं इस उपचुनाव में AIMIM के प्रत्याशी अब्दुल सलाम को 12,212 वोट मिले, जिसके बाद AIMIM ने सभी की नींदें उड़ा दी है। कुटनी में AIMIM का उपचुनाव लड़ने का ऐलान। असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने बिहार की कुटनी विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव में भी उतरने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए मजबूत प्रत्याशी की तलाश की जा रही है और जल्द ही नाम की भी घोषणा कर दी जाएगी। बता दें कि कुटनी विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को मतदान होगा। वहीं नामांकन की प्रक्रिया 10 नवंबर से शुरू कर की जाएगी। कुटनी में उपचुनाव की नौबत तब आई जब RJD के अनिल साहनी के LTC घोटाले में सजा दी गई और उनकी विधानसभा सदस्यता को रद्द कर दिया गया था। चुनावी विश्लेषकों का मानना है कि ओवैसी की पार्टी ने गोपालगंज सीट पर अपने प्रत्याशी अब्दुल सलाम को उतारकर RJD के वोट बैंक में सेंधमारी की, जिस वजह से चुनाव के नतीजे बीजेपी के पक्ष में हो गए। सुशील मोदी ने RJD पर बोला हमला। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने सामान्य वर्ग में आर्थिक रूप से कमजोर तबके को 10% आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि RJD ने 10% आरक्षण के विरोध में संसद के दोनों सदनों में मतदान किया था। अब RJD किस मुंह से सवर्णों से वोट मांगेगी? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सामान्य वर्गों के लिए इस आरक्षण को बरकरार रखा है। जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस बेला त्रिवेदी और जस्टिस JV पादरी वाले ने EWS के फैसले को सही ठहराया है। 5 जजों की बेंच में से 4 जजों ने संविधान के 103वें संशोधन अधिनियम 2019 को सही माना है और बीजेपी की बड़ी जीत बताई है। सूर्य कुमार यादव की क्लास पर कोहली ने लगाई मुहर। T20 क्रिकेट के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव ने बीते दिन हुए मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ 71 रन की जीत में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। मैच के बाद सूर्य कुमार यादव ने कुछ तस्वीरें शेयर की और लिखा कि इससे बेहतर फीलिंग नहीं हो सकती, जिस पर विराट कोहली ने कमेंट करते हुए लिखा अलग लेवल। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब विराट कोहली ने उनकी बल्लेबाजी की तारीफ की हो और विराट कोहली का यह कमेंट सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वहीं BCCI ने भी इसको शेयर करते हुए लिखा कि कोहली ने स्वीकृति दे दी है। बताते चले कि सूर्य कुमार यादव ने अब तक 5 मैचों में 225 रन बनाए हैं। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट।
बिहार में आज यानी सोमवार को पेट्रोल डीजल का रेट जारी किए गए। इसके मुताबिक पटना, पूर्णिया, मोतिहारी, बेगूसराय, दरभंगा, हाजीपुर, बेतिया और समस्तीपुर समेत अन्य शहरों में पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर है। हालांकि भागलपुर और मुजफ्फरपुर में तेल के भाव में हल्की बढ़ोतरी हुई, तो वहीं गया में पेट्रोल डीजल के रेट गिरे हैं। बता दें कि भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.68 रुपए तो डीजल की कीमत 95.36 रुपए प्रति लीटर है। वहीं मुजफ्फरपुर में पेट्रोल की कीमत 108.02 रुपए और डीजल 94.75 रुपए प्रति लीटर है। राजधानी पटना में पेट्रोल और डीजल की कीमत 107.24 रुपए और 94.04 रुपए प्रति लीटर है। इसके साथ ही पेट्रोल डीजल की सबसे कम कीमत बेगूसराय में दर्ज की गई है, जहां पेट्रोल 106.95 रुपए और डीजल 93.74 रुपए प्रति लीटर है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है उमेश ऋषिदेव, शंकर मुखिया, रंजीत मिश्रा, मृत्युंजय कुमार, मोहम्मद नौशद राजा, कविता कुमारी, अमन कुमार, नुन्नू कुमार, गोलू सिफोन कुमार, कमलेश कुमार, बाबूलाल मरांडी, केके सिन्हा, राजकुमार प्रसाद, रंजीत मिश्रा, विपिन गुप्ता। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने क्षेत्र के अस्पतालों में की गई व्यवस्था से कितने संतुष्ट हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहार न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले। धन्यवाद।